दोस्तों स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में निवेश करने का सबसे बेहतर तरीका आपको बता होगा म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए माना जाता है राइट। लेकिन अब सभी म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए आप अब विदेशी ईटीएफ में नहीं डाल पाएंगे पैसे। सेबी ने इस कारण म्यूचुअल फंडों को ये निर्देश जारी किया है। सभी म्यूचुअल फंड होल्डर्स के लिए ये नया नियम लागू होने जा रहा है। विदेशी ईटीएफ, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, यानी फॉरेन ईटीएफ में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में अब इन्वेस्टमेंट पर रोक लग चुकी है। अब उन म्यूचुअल फंड में आप निवेश नहीं करवाएंगे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है ना अपने पैसों को फॉरेन ईटीएफ में निवेश करती हैं। सेबी का कहना कि इस निवेश की मैक्सिमम लिमिट लगभग पूरी होने के करीब है और ये 1 अप्रैल 2024 के बाद से नए निवेश नहीं ले पाएंगे ये सभी म्यूचुअल फंड होल्डर। समझ रहे हो, मतलब अगले महीने की पहली तारीख 1 अप्रैल से उन म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा निवेश नहीं कर पाएंगे जो अपने पैसों को फॉरेन ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं। सिंपल नियम ये है। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इस तरह के सभी म्यूचुअल फंड को ये निर्देश जारी कर दिया। सेबी का आदेश इसलिए आया है क्योंकि फॉरेन ईटीएफ में निवेश की मैक्सिमम लिमिट $1 बिलियन यानी तकरीबन 8,332 करोड़ रुपए तय है और इनका निवेश अब इस लिमिट के करीब पहुंच गया है। ये आरबीआई और सेबी के नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है तो ये लिमिट अब क्रॉस नहीं हो सकती है। यही वजह है कि सेबी ने उन तरह के सभी म्यूचुअल फंड को लेटर भी जारी कर दिया कि इस तरह के म्यूचुअल फंड अब नया निवेश नहीं ले पाएंगे। जनरली म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो दो स्कीम में विदेशों में निवेश करती है, पहला फॉरेन शेयर्स में डायरेक्ट निवेश और दूसरा फंड ऑफ फंड्स में निवेश। इसी फंड में म्यूचुअल फंड फॉरेन ईटीएफ की यूनिट्स खरीदती है और इसी की लिमिट तय है, यानी अब ये दूसरा ऑप्शन कंपनीज नहीं चॉइस कर पाएगी। हालांकि जो फॉरेन शेयर्स में डायरेक्ट निवेश है उसकी लिमिट $7 बिलियन है, तकरीबन 58,347 करोड़, तो उस म्यूचुअल फंड का कोटा अभी ओपन है, उनमें आप निवेश कर पाएंगे है ना। तो ये निवेशकों के लिए उम्मीद है 1 अप्रैल 2024 से ही न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।